यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो ऑफ एनिमल रिवॉल्व बैटल सिमुलेटर। भाई साहब, इस गेम को गाइस खेलने से भाई अलग ही आनंद आता है। एंड वैसे गाइस, हमको पता है मैंने क्या बनाया अभी, गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि गाइस मैका हाइड्रा इज रिटर्न। गाइस कांग्रेचुलेशंस टू अमान टीएमी की, गाइस उनका मैका हाइड्रा वापस आ चुका है। लेकिन गाइस अब आप हमारा मैका हाइड्रा देखने वाला। 3, 2, 1 लेट्स गो। अरे ये देखो भाई साहब, गाइस देखो कितना बैलेंस मैका हाइड्रा। ये देखो मैंने इसकी ऊपर तक गाइस स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो गाइस यहाँ पे मैंने 2 जेट इंजन लगाए हैं ताकि ये स्ट्रक्चर गाइस नीचे की तरफ ना गिरे। एंड गाइस इधर हॉट रूम को प्लाज्मा कैनन लगाए हैं। उसके बाद गाइस के पीछे टेल पे भी गाइस जेट इंजन मैंने लगाए हैं। देखो कितने सारे, इससे गाइस ये ना अच्छे से बैलेंस होगा। मैंने पूरी बैलेंसिंग करी मैंने आज तक, कितनी इस रूट पे कितने भी बैलेंसिंग नहीं करी जितनी इस रूट पे करनी पड़ी। एंड गाइस इसके बाद फिर गाइस मैंने बनाया ये, इसको देखे। हाँ गाइस ये बनाया फिर मैंने। इसको बनाने में गाइस मेहनत लगी, मगर बहुत ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी बहुत लगी। लेकिन गाइस इसको बनाने में भाई बहुत मेहनत लगी है गाइस। इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बैलेंस करने में आपको गाइस मैं बता नहीं सकता मैंने कितनी मेहनत करी इस ये सब करने में। गाइस मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी, मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। टीम 2 पे मैं अपना कोई यूनिट रखता हूँ। इधर क्या रखूँ मैं, ARBS का गोल्ड रखता हूँ गाइस। ये देखो गाइस मैं यहाँ पे ARBS गोल्ड रख के आपको ट्राई कराता हूँ। 3, 2, 1 लेट्स गो। अभी आप लोग इसकी पावर ट्राई दे देखना। और ओ भाई ही तो मर गया। हेल्थ काफ़ी गई गाइस, हेल्थ काफ़ी गई। ये मार सकते हैं गाइस, तुम लोग हेल्थ देख रहे हो इसकी, बहुत कम हेल्थ है। तो ये बर्बाद तो ये नहीं बचेगा। अभी चलो देखना दोबारा बैटल स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। अभी गाइस मैं तुम लोग को दोबारा बैटल स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अब देखना गाइस ये मरेगा। ये देखो गाइस मार दिया, अनडिफिटेड है गाइस, ये अनडिफिटेड फिर से मार देगा इसको। इस बार तो इसकी हेल्थ भी नहीं गई। एंड देखो गाइस कितने अच्छी तरीके से बैलेंस हो रहा है। भाई साहब गाइस आपको पता ना ये मैका हाइड्रा कितना पावरफुल है। एंड गाइस इस मैका हाइड्रा को बनाने में गाइस काफ़ी मेहनत लगी है, क्योंकि गाइस अभी हम लोग इधर रखने वाले हैं मेरा बनाया हुआ एक गोल्ड हाइड्रा। ये गाइस देखते हो ये गोल्ड हाइड्रा, देखते गाइस क्या ये गोल्ड हाइड्रा इस मैका हाइड्रा को मार सकते हैं 1, 2, 3 एंड को। गाइस इसे गोल्ड हाइड्रा का स्ट्रक्चर काफ़ी खतरनाक है, लेकिन गाइस मैका हाइड्रा भी गाइस किसी से कम नहीं है। देखते हैं गाइस क्या मैका हाइड्रा जीतता है या फिर जीतता है ये गोल्ड हाइड्रा। ओके लेट्स गो। किशान टी गेमिंग का भी अनडिफिटेड यूनिट है, पर गाइस अमान टी गेमिंग का लेजेंडरी यूनिट है गाइस मैका हाइड्रा। तो गाइस नो डाउट गाइस मैका हाइड्रा ही जीतेगा। एंड गाइस कोई ताकत अब गाइस इस मैका हाइड्रा को डिफीट होने से नहीं रोक सकती। मैं क्या बोल गया, मतलब कोई भी ताकत मैका हाइड्रा को डिफीट नहीं कर सकती ऐसा बोलना था, मैं कुछ और ही बोल दिया लगता है गाइस। दिन रात सोया नहीं तो ऐसा वैसा हो गया। और ये देखो भाई गॉड हाइड्रा गाइस डिफीट हो चुका है। मैंने आपको क्या बोला था गाइस, मैका हाइड्रा को कोई नहीं हरा सकता। भाई तो हम गाइस गॉड हाइड्रा को भी कैसे डिफीट किया। इसमें बस सोच रहा हूँ आंटी आप यही स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ इससे क्या बोलते हैं, मैं आपको समझ गया आपकी क्या दिक्कत हो रही थी। लेकिन अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो अमान टी गेमिंग आपको क्या बोलते हैं कोई तकलीफ नहीं होगी इस स्ट्रक्चर से। तो इसीलिए ये इफेक्टिव रहेगा कि आप ये स्ट्रक्चर बनाएं ना कि वो वाला। ओके लेट्स गो। अभी गाइस मैं यहाँ पे टीम 2 सेलेक्ट, अभी यहाँ पे गाइस अब कौन सा मैं यूनिट रखूँ, मैकअप टीरेक्स इधर रखने वाला हूँ। लेट्स गो देखते हैं कि हम मैकअप टीरेक्स को डिफीट कर पाते हैं कि नहीं। 1, 2, 3 एंड गो। आई गेस गाइस मैकअप टीरेक्स को भी ये डिफीट कर देगा, क्योंकि डिफीट करने वाला गाइस कोई भी नहीं है। एंड भाई गया, ये भी गया मैका टी एस को था गाइस, पुराने वाले मैका हाइड्रा ने डिफीट कर दिया था आप सबको पता है।
ये तो फिर भी न्यू मैका हल्ड्रा है। तो गज मैं इसको ज़रा थोर हल्ड्रा के साथ लड़वा के देखते हैं, देखते हैं गज क्या ये लेजेंडरी थोर हल्ड्रा को डिफीट कर सकता है कि नहीं। गज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या ये वाकई में थोर हल्ड्रा को डिफीट कर पाएगा। मैं इधर रखता हूँ 3-2-1 लेट्स गो भाई। मैंने लेजेंडरी थोर हाइड्रा इधर रख दिया है, देखते हैं गाइस क्या ये लेजेंडरी थोर हाइड्रा को डिफीट कर सकता है कि नहीं। ओके देखते हैं भाई मार दियो भाई मैं का हाइड्रा इस थोर हाइड्रा को। ओके लेट्स गो देखते हैं गाइस मैं का हाइड्रा जीतता है फिर थोर हाइड्रा। एंड ओ भाई ये क्या हो गया, थोर हाइड्रा ने मैका हाइड्रा को डिफीट कर दिया। मगर नहीं 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 हम लोग एटलीस्ट 3 बैटल करवाएंगे फिर देखते हैं गाइस कौन जीतेगा। मैं नहीं मानता गाइस एक बैटल में कैसे मैका हाइड्रा जीत सकता है। एटलीस्ट गाइस 3 बैटल तो होंगी ही होंगी। ओके भाई उस थोर हाइड्रा का चल दे रो, सारे सर मर चुके हैं, एक भी सर जिंदा नहीं है, वहाँ एक सर जिंदा है बाकी तो सारे ही सर मर चुके हैं। एंड थोर हाइड्रा का डायरेक्शन भी थोड़ी गलत है, थोर हाइड्रा को खड़ा होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर। हाँ गाइस अब थोर हाइड्रा की डायरेक्शन बिल्कुल सही है। एंड गाइस अभी देखते हैं क्या मैं का हाइड्रा थोर हाइड्रा को डिफीट कर सकता है कि नहीं। अब तो गाइस 110% गाइस थोर हाइड्रा यहाँ पर डिफीट होने वाला है। 1-2-3 एंड को ये डिफीट हो गया। ये गाइस मैं का हाइड्रा लेजेंडरी यूनिट से कोई बच नहीं सकता, वैसे मैंने 3 बैटल कराने का प्रॉमिस किया था, गाइस प्रॉमिस पूरा ही करते हैं। देखते हैं गाइस तीसरी बैटल कौन जीतता है। तीसरी बैटल भी गाइस मैं जानता हूँ लेजेंडरी थोर हाइड्रा मतलब लेजेंडरी मैका हाइड्रा जीतेगा। लेट्स गो मैका हाइड्रा दिखा दे अपना जलवा और बता दे तू है असली लेजेंडरी यूनिट। लेट्स गो भाई साहब गाइस तीसरी बैटल भी मैका हाइड्रा यहाँ पे जीत चुका है। एंड गाइस थोर हाइड्रा यहाँ पे हार चुका है। एंड अभी गाइस ओ शिट मैका हाइड्रा भी वाइंस हो गया। अभी गाइस मैं रखने वाला हूँ फायर गोड, देखते हैं गाइस क्या फायर गोड मैका हाइड्रा को डिफीट कर सकता है कि नहीं। 1-2-3 एंड गो, देखते हैं गाइस फायर गोड वर्सेस मैका हाइड्रा, देखते गाइस कौन जीतता है। और गाइस ये फायर गोड यहाँ पर डिफीट हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिट है गाइस मैका हाइड्रा तो भाई साहब। एंड गाइस तुम लोग अभी इसकी बैलेंस दिखा दो, ये देखो गाइस बिल्कुल सही से बैलेंस हो रहा है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, इसकी टेल से भी गाइस ढंग से बैलेंस हो रहा है। एंड गाइस तुम लोग देख रहे हो इसका सर वगैरह सब कुछ पूरा बैलेंस हो रहा है, इसका गाइस स्ट्रक्चर भी ढंग से बैलेंस हो रहा है, तो गाइस कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। अब मानती है अगर ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें और ऐसे ऐसे इस पर बैलेंसिंग करें तो गाइस फिर बहुत ढंग ये तो बहुत ठीक रहेगा। ओके लेट्स गो गाइस मैं रखने वाला हूँ मैका मैमूथ, देखते गाइस क्या मैका मैमूथ मार पाता है कि नहीं। 1-2-3 एंड गो। ओके मैका मैमूथ वर्सेस मैका हाइड्रा, देखते कौन जीता है। मैका मैमूथ बहुत अटैक कर रहा है गाइस, मैका मैमूथ डिफीट कर सकता है मैका हाइड्रा को, लेकिन गाइस मैका हाइड्रा भी लेजेंडरी यूनिट है, वो भी गाइस इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। एंड गाइस मैका हाइड्रा को दिखाना होगा कि वही है रियल अमांटी गेमिंग का लेजेंडरी यूनिट, ये मैका मैमूथ नहीं है। पहला गाइस अनडिफीटेड यूनिट मैका हाइड्रा था और मैका हाइड्रा ही रहेगा। मैंने आपको पहले ही कमेंट करके बोला था मैका हाइड्रा वाज माय फेवरेट इज़ माय फेवरेट एंड विल बी, यानी मैका हाइड्रा मेरा फेवरेट यूनिट था, फेवरेट यूनिट है और फेवरेट यूनिट रहेगा। और मैं जानता था ये मैका मैमूथ भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेजेंडरी मैका हाइड्रा को हराने के लिए गाइस को आज तक कोई भी नहीं बना। हाई साहब धूल चटा दी बिल्कुल ही। एंड गाइस अब हम लास्ट बैटल इस लेजेंडरी मैका हाइड्रा की करवाने वाले हैं। इसके बाद गाइस इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें और भी खतरनाक यूनिट के साथ लड़ेगा। लेट्स गो गाइस इसको दोबारा गाइस जो फाइनल यूनिट है वो है बोन ब्राचियोसॉरस। इसका मतलब एज अ फाइनल यूनिट मान ही लेते हैं कि गाइस बोन ब्राचियोसॉरस गाइस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसके बाद इससे भी स्ट्रांग यूनिट आएंगे। 1-2-3 एंड गो। मैका हाइड्रा इस बोन ब्राचियोसॉरस को भी डिफीट कर दे और बता दे कि तू है रियल स्ट्रांग यूनिट, तू ही है रियल अमांटी गेमिंग का लेजेंडरी यूनिट। अरे गाइस लगता है इसका स्ट्रक्चर काम नहीं आ रहा है, गाइस मैका हाइड्रा का स्ट्रक्चर गाइस काम नहीं आ रहा, मुझे मैका हाइड्रा को पास रखना पड़ेगा थोड़ा।
वरना यार गाइस मैका हाइड्रा अभी यहाँ पे डिफीट हो चुका है। नहीं नहीं गाइस हो चुका है गाइस, मैका हाइड्रा कोई चांस नहीं है मैका हाइड्रा के बचने का। एंड ये मर गया। मुझे इस बोन ब्राचिसोरस को थोड़ा पास रखना होगा या फिर मैका हाइड्रा को इसके पास रखना होगा, कोई ना कोई एक काम तो मेरे को करने यहाँ पे करना होगा। एंड मैं सोच रहा हूँ गाइस इस बोन ब्राचिसोरस को मैका हाइड्रा के पास रखता हूँ। ओ भाई मेरे को देखा नहीं जा रहा मेरे से ये, लेकिन गाइस तुम लोग देखना है मैका हाइड्रा, ये बोन मैका हाइड्रा पक्का बोन ब्राचिसोरस को डिफीट करने वाला है। यहाँ से बोन ब्राचिसोरस को माइनस करता हूँ और यहाँ पे बोन ब्राचिसोरस को रखता हूँ। अब देखते हैं गाइस कौन जीतता है। 3-2-1 लेट्स गो। अभी आप लोग देखना गाइस ये बोन ब्राचिसोरस यहाँ पे कैसे मरता है। 3-2-1 एंड गो। भाई साहब मर गया, मरा मरा मरा, ये बोन ब्राचिसोरस यहाँ पे मरेगा, इसके बचने का अब कोई भी चांस नहीं है। एंड ये गाइस गया, अब इस बोन ब्राचिसोरस का कोई भी चांस नहीं है बचने का। एंड गाइस देख रहे हो यहाँ पे मर चुका है। फाइनली यार गाइस ये भी यहाँ पे मर गया। एंड गाइस ऑन लेजेंडरी मैका हाइड्रा गाइस पहली बैटल ख़त्म होती है, यानी इसका फर्स्ट राउंड यहाँ पे ख़त्म होता है। फर्स्ट राउंड इतना खतरनाक था तो सोचो गाइस फाइनल राउंड कितना खतरनाक होगा। गाइस नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इसका, जिसमें इसे फाइनल राउंड में फाइनल लूट के साथ लड़ेगा, रहेगा सबसे स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि गाइस ये लेजेंडरी आर्मी, जैसे कि अल्टीमेट आर्मी किलर, एक मिनट आ जाए आ जाए। हाँ गाइस जी क्लियर, अल्टीमेट आर्मी किलर, फिर गाइस थोर हाइड्रा, इसके बाद फिर गाइस यहाँ पे ये रेनबो हाइड्रा। गाइस तुम लोग रेडी हो जाओ क्या तुम लोग इन यूनिट्स के साथ फाइट देखने के लिए। एंड गाइस टिल टिलन टेक केयर, एंड होप आप लोग के लिए वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस अभी फिलहाल के लिए हम भी अभी वाली वीडियो एंड करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।